गुजरात विधानसभानी सामान्य चूंटणी में नर्मदा में प्रथम वक्त मतदान करनारा युवा मतदारों थी लई वयोवृद्ध एटले के 80 वर्ष के तेथी वधु वयना सौ मतदारों में मतदान करवानो उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। नर्मदा जिला में एक तरफ युवा पेढ़ी लोकशाहीना महोत्सव ने मनावा माटे थनगनी रही छे, बीजी तरफ वृद्ध मतदारों वृद्धावस्था में पण पोताना पवित्र मताधिकारनो उपयोग करवा माटे भारे उत्सुक जणाई रह्या। आवाज एक वृद्ध मतदार गरुड़ेश्वर तालुकाना मोटा पीपरिया स्थित आदिवासी सेवा संघ संचालित वृद्धाश्रम में रहता कोकिलाबेन कंचनभाई पंचोली 91 वर्ष उमरे पण नांदोद विधानसभा मत विस्तार में तेओ अचूक मतदान करी लोकशाहीनी फरज निभावशे। लोकशाहीना महापर्व में युवानोने पण शरमावे तेवा उत्साह साथे नर्मदा जिल्लाना वयोवृद्ध अने शतायु मतदारों चूंटणी में मताधिकारनो उपयोग करशे। कोकिला बहन पंचोली वर्ष 2008 थी ज मोटा पीपरियाना वृद्धाश्रम में रहे छे। आगामी तारीख 1 डिसेम्बरे मतदान माटे उत्साही कोकिला बहन जणावे छे कि अमने ज्यारथी मतदान करवानो प्रथम अवसर मळ्यो त्यारे खूब ज उत्साह हतो अने एवो ज उत्साह आजे पण मतदान माटे रहेलो छे। ते वखते बेलेट पेपर थी मतदान थतुं हतुं, हवे टेक्नोलॉजीना समयमां मशीन थी ईवीएम थी मतदान थाय छे, परंतु मतदान ए आपणी पवित्र फरज छे। आपणा मतनुं मूल्य समजी अवश्य मतदान करवुं जोईए तेवी तेमणे सौ मतदारोने पण अपील करी हती। मोटा पीपरिया वृद्धाश्रम में वर्ष 2008 थी रहता सुमन भाई परशोत्तम भाई माची पण उमड़का साथे कहे छे, भले मारी उमर थई छे, अमे वृद्धाश्रम में रहीए छीए, परंतु भारत देशना नागरिक तरीके मळेली मतदाननी पवित्र फरज अदा करवा माटे आजे पण जुस्सो तेवो ज छे। मतदान करवू आपणी पवित्र फरज छे। अमारा जेवा वृद्ध मतदारों मतदान करवा जई शकता होय तो 5 वर्षमां एकवार आवता लोकशाहीना उत्सवमां युवानोए सहभागी थई अवश्य मतदान करवू जोईए तेवो प्रेरक संदेश तेओ आपी रह्या छे। वृद्धाश्रममां 15 वर्षथी रहेता गोलजीभाई लल्लूभाई तडवी, 12 वर्षथी रहेता मगनभाई ढोड़ाभाई तडवी पण चूंटणीमां अवश्य मतदाननो संकल्प साथे उत्साहभेर जणावी रह्या छे कि आपणे सौनो उत्सव होवो जोईए। लोकशाहीना महापर्वमां आपणे सौ नागरिकोए सहभागी बनी मतदान करी पर्वनी उजवणीमां सहभागी बनवुं जोईए। आ वखते चूंटणी तंत्र द्वारा 80 वर्षथी 100 वर्षनी वयना वरिष्ठ मतदारोने मतदान केन्द्र सुधी लावा लई जवानी विशेष व्यवस्था पण करवामां आवी। जरूरियात धरावता वृद्ध मतदारोने मतदान मथक सुधी लावामां आवशे। मतदान कर्या बाद घरे परत पण मूकवामां आवशे। उपरांत कोई उमरलायक मतदार मत आपवा माटे मतकेन्द्र सुधी आवी शके तेम न होय तो चूंटणी अधिकारीओ तेमना घरे जशे, तेमनी पासे मतदान करावशे, तेमने एक फॉर्म भरवानुं रहेशे। फॉर्मनी समग्र प्रक्रियाने वीडियोग्राफी करवामां आवशे। मत गणतरी वखते तेमना मतनी गणतरी करवामां आवशे। तेओ मतदान करशे त्यारे तेमना विस्तारना उमेदवारो पण हाजर रहेशे। समग्र मतदान प्रक्रिया वयोवृद्ध मतदारना घरे ज थशे तेवी विशेष व्यवस्था गोठववामां आवी। મારું નામ સુમનભાઈ પોરટમ માછી, શિસરાનો પત્ની છું મેં। 15 વર્ષથી પીપરિયા ગરદાશ્રમમાં રહું છે, જ્યાં ચૂંટણી આવે તારો શિસરોદા મત આપવા જવું છે મેં। મગનભાઈ દોડાભાઈ મોટા પીપરિયા ગુડ્ડા આશ્રમમાં રહું છું, 12 વર્ષ રહું છું। ચૂંટણીનો અવસર છે તો હું પણ મતદાન કરવા માટે જવાનો છું। આ તો દેશના નાગરિકોનો તહેવાર છે, તહેવારમાં સૌ લોકોએ ભાગીદાર બનવું જોઈએ। પોતે પણ આટલી તકલીફમાં હોવા છતાં મતદાન કરવા માટે જવાનો છે, બીજા લોકોએ પણ જરૂરથી મતદાન કરીને લોકશાહીના ઉત્સવમાં સહભાગી બનવું જોઈએ તેવી મારી સૌ નાગરિકોને અપીલ છે। ગોલજીભાઈ લલ્લુભાઈ તરવી, મેં વૃદ્ધાશ્રમમાં મોટા પીપળિયા હું દર વખતે ચૂંટણીમાં અવશ્ય મતદાન કરવા માટે જાઉં છું। આટલી ઉંમરમાં પણ હું ચાલીને મતદાન કરવા જવાનો છું, મને આટલી તકલીફ હોવા છતાં મારો કેમથી મત આપવા માટે જવાનો છું। તમે પણ અવશ્ય મતદાન કરવા માટે જાઓ તેવી મારી સૌ નાગરિકોને અપીલ છે। दीपक जगतापनो रिपोर्ट, S9 न्यूज, राजपीपळा।